का सपना हुआ और उस फकीर ने कहा कि तुम मेरे काम में संलग्न हो जाओ, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। मैंने अपने माता पिता को बताया, पिताजी ने बुद्धिजीवियों को बताया और उन्होंने श्री साईं बाबा सेवा आश्रम ट्रस्ट पंजीकृत संस्था का स्थापना किए, जो मुझे उस समय संचालक का दायित्व मुझे दिया गया और देने के बाद मैं संस्थान के द्वारा श्री साईनाथ बाबा का यह सेवा कर रहा हूँ और आज यह आश्रम शिरडी धाम के स्वरूप में अग्रसर हो रहा है। अगर अवलोकन किया जाए कि आज से 50 साल पहले जो शिरडी था वही दृश्य यहाँ पर है और यहाँ पर पूरी साईं महिमा, साईं चमत्कार, साईं भक्ति भाव और साईं बाबा सभी प्रकार के संकट कष्ट दूर करते हैं और कष्ट ही दूर नहीं करते हैं, बाबा अपना चमत्कार सबको दिखाते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा है, 40 साल से मैं गुरु की सेवा कर रहा हूँ, गुरु के आश्रम में कर्म करना ही मेरा कर्तव्य है और जैसे मेरे गुरु करते थे वैसी मैं कर्म करता हूँ। मगर 40 साल के बाद गुरु का आदेश हुआ कि तुम मेरे भक्तों को मेरा चरित सुनाओ, मेरे आश्रम की बात बताओ, मेरी धुनी की महिमा बताओ, मेरी चिंता की महिमा बताओ और मेरी अखंड ज्योत की महिमा बताओ, मेरी राम जन्म महोत्सव का या भंडारा की कथा बताओ, हर गुरुवार को जो तुम खिचड़ी खिलाते हो भक्तों के नाम से वो भी बताओ, सब बताओ ताकि मेरे सारे भक्त तुम्हारे माध्यम से वहाँ तक आवाज जाएगी, उनके सब कल्याण दूर होगा और मैं महासमाधि छोड़कर उस समय दौड़ते हुए आऊँगा और जिनके लड़के बच्चे नहीं होंगे उनको मैं लड़का बच्चा प्रदान करूँगा, जिस भाई साहब की नौकरी नहीं लग रही है उसको मैं नौकरी लगाऊँगा, जिसका प्रमोशन नहीं हो रहा है उसका मैं प्रमोशन कराऊँगा, किसी का सर्पकाल दोष चल रहा है उसे मैं भगाऊँगा, मैं नहीं भगाऊँगा वो भगाएगा जो सबका मालिक है। आप सभी बने रहें चैनल पे, साईं कथा के बाद आपके सारे प्रश्नों का सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो आगे तो साईं बाबा की यह कथा सुने ध्यान मग्न होकर। और आप सभी अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और साईं कथा का आनंद उठाएँ। अपने जीवन का बहुमूल्य समय निकालकर बाबा की इस प्यारी कथा को जरूर सुने, देखिए साईं कैसे आप पर अपनी अपार कृपा बनाते हैं। तो आप सभी जल्दी से जल्दी साईं जीवन माला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो साईं बाबा सेवा आश्रम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए बाबा के उपाय और बाबा से बात करने के लिए। चलिए आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। पानी लगा। पानी लगा। तो